नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स इति पिसो भगवारहं सम्मा सम्बुद्धो विजाचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविदो अनुतरो पुरिषदम्मसारथि सत्ता देवमनुष्यानं बुद्धो भगवाइति बुद्धं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि स्वाखातो भगवता धम्मो सान्दिथिको अकालिको येहि पाशिको पनायिको पचतं वेदिताब्बो वेन्यो हेते धम्मं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि सुपतिपन्नो भगवतो श्रावकसंगो उजुपतिपन्नो भगवतो श्रावकसंगो न्यायपतिपन्नो भगवतो श्रावकसंगो सामीचीपतिपन्नो भगवतो श्रावकसंगो यदिदं चत्वारि पुरिषयुगानि अथा पुरिषपुगला एष भगवतो श्रावकसंगो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अञ्जलिकरणीयो अनुतरं पुण्यक्षेतं लोकसाति संघं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि एतेन सच वज्रेण शोथिते होतु सर्वदा एतेन सच वज्रेण सर्वदुःख सर्वभय सर्वरोगो विनाशतु एतेन सच वज्रेण होतु ते जयमङ्गलम्। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के अनंत अनंत गुण धम्म के अनुभव से महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म के अनंत अनंत गुण धम्म के अनुभव से महाकारुणिक तथागत बुद्ध के सुप्रतिपन्न आर्य श्रावक संघ के अनंत अनंत गुण धम्म के अनुभव से आप सभी के जीवन में हमेशा हमेशा सुखी रहे, कल्याण रहे, जीवन में हर तरह का भय, हर तरह का रोग, हर तरह का जो विघ्न बाधा नाश हो और जीवन में हमेशा हमेशा जय मंगल हो, ये कामना करते हैं। आज हम बात करेंगे ये जीवन का जो वैल्यू या जीवन का महत्व क्या है, क्या है ये जीवन का मूल्य। कोई कहता है ये जीवन का मूल्य क्या है, ऊपर से नीचे तक तो दुख ही दुख से भर पड़ा है, कभी यहाँ दुख कहाँ, कभी वहाँ दुख, कभी यहाँ दर्द कभी वहाँ दर्द, ऊपर से नीचे तक परेशानी से भर पड़ा है। क्या हो सकता है इस जीवन का मूल्य, क्या हो सकता है इस शरीर का मूल्य। ये शरीर के अंग प्रत्यंग भी देखो, ये हाथ के उंगली में थोड़ा सा भी घाव हुआ तो इतना दर्द हो के बहता है, इतना दर्द होता है। क्या है इस शरीर का मूल्य। ऊपर से नीचे तक गंदगी से भर पड़ा है, ऊपर से नीचे तक हर तरह से दुख ही दुख भर पड़ा है। क्या हो सकता है ये जीवन का मूल्य। कोई कहता है
ये जीवन क्या है? अच्छे से खा पी के आराम से जीने का और एक दिन ऐसे ही आराम से मरने का, क्या है ये जीवन? कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है जीवन क्या है? कोई तो ये शरीर जब तक है अच्छे से है, मौज मजा करने का, फिर बाद में छोड़ के जाने का। कोई कहता है क्या, कोई कहता है क्या। सबका अपना अपना दृष्टिकोण है, अपना अपना ये विजन है कैसे जिंदगी को देखते हैं। पर ये जिंदगी इतना सस्ता भी नहीं है, ये जीवन इतना मतलब हल्का भी नहीं है कि इसको हम व्यर्थ व्यर्थ में वेस्टेज करें या व्यर्थ में हम इसे फेंके। ये जीवन इतना भी वैल्यूलेस नहीं है, हर किसी को पता है ये जीवन का मूल्य बहुत ज्यादा है, ये तो कहने की बात हुआ। पर वास्तव में ये जीवन का मूल्य ज्यादा ही है क्या? और अगर ज्यादा ही जीवन का महत्व है तो हम उसको उसी तरह से सदुपयोग कर रहे हैं क्या? उसी तरह से हम व्यवहार कर रहे हैं क्या? हर रोज जो सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके सुबह तक जो हम जीते हैं, क्या हम जिंदगी के मूल्य को ठीक तरह से समझ के व्यवहार करते हैं क्या? एक प्रसंग यहाँ याद आ जाता है। कोई गांव में रहने वाला एक गरीब एक किसान था, और वो इतना गरीब था, इतना गरीब था कि खेतों में काम करने के लिए भी अपना खुद का खेत नहीं, दूसरों के खेत में जोत के, दूसरों के खेतों में काम करके, या खेतों में काम नहीं मिला तो अपने पास जो लकड़ी काटने का है वो लकड़ी काट के लाया, और वो लकड़ी एक ही बार में तो बेच नहीं सकता तो उसको जला के राख बना दिया और वही राख बेचने लगा। इस तरह से वो जीविका कर रहा था। कहानी है, किसी तरह से एक बार देश के राजा घूमते घूमते वहां पहुंच गया, तो वहां किसी बातों से मुलाकात हुआ वो किसान से। वो किसान को देखा तो राजा को भी लगा, मैं इतने ऐशो आराम में रहता हूँ, महलों में रहता हूँ, पर मेरी जनता इतने दुखी है, दरिद्र है, इतने गरीबी में है, चलो दूसरों का ना हो मैं इसका तो उपकार कर ही दूंगा। तो राजा ने कहा, आप मुझे मिलने के लिए महल आ जाना, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। तो ठीक है कहा, राजा वापस गया, और इधर किसान भी, चलो राजा ने बुलाया है, राजा ने कुछ देने की बात किया है, हम इतने मुश्किलों से इतने दुख के साथ जी रहे, चलो राजा से मिलने चलते हैं। तो वो राजा के पास चला गया, तो राज दरबार में राजा के पास मिलने के लिए बोल रहे, एक किसान कौन मिलने देगा। फिर भी वो बहुत ही जिद कर रहा था कि राजा ने मुझे स्वयं बुलाया है, राजा मुझे कुछ देना चाहते हैं, एक बार मेरी बात तो पहुंचा दो। तो वहाँ द्वारपालों ने ऊपर 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 पहुंचा के राजा तक ये बात पहुंचा दिया कि कोई किसान आपसे मिलने के लिए आए हैं। तो राजा ने भी हाँ तुरंत उसको बुलाओ, उसको बुलवा लिया, और वो किसान से थोड़ी बातचीत करने के बाद अभी किसान आया है, क्या दूँ इसको, थोड़ा धन संपत्ति दूँ तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा, इससे अच्छा मैं कुछ ऐसा इसको तोहफा दूंगा कि जिंदगी भर इसका जीवन आराम से जिए, आराम से जिंदगी कटे और एकदम अच्छे से कटे। तो क्या दूँ क्या दूँ सोच सोच के फिर लगा कि अपने पास एक बगीचा है जो चंदन का है, हा? तो सोचा यही चंदन का बगीचा ही इसको दे देता हूँ। तो राजा ने वो किसान को, ठीक है ये पास में बगीचा है जो चंदन का है, वही आपको दे देता हूँ करके दे दिया।
किसान बहुत खुश हुआ, जय जयकार करते हुए वहाँ से निकल गया। वो बगीचे में चला गया। बगीचा इतना सुंदर है, खूबसूरत है, इतना बड़ा है, अब इतना बड़ा जमीन मिला, इतना बड़ा बगीचा मिला राजा की तरफ से, वो बहुत ही खुश हुआ। मगर खुशी से ज़िंदगी चलता नहीं, खुशी से ये खाने को मिलता नहीं, ये पेट का भूख शांत होता नहीं, तो खाने के लिए अभी क्या करे, पैसा तो है नहीं। तो वो किसान ने सोचा, अभी इतने सारे बगीचे में पेड़ है, चलो मैं अभी यही पेड़ को काट के बेचना शुरू कर दूंगा। अभी पेड़ काट के एक ही बार में लकड़ी तो बेच नहीं सकते, वो पहले क्या करते थे, वो पेड़ काटते थे, उसको जला के राख बनाते थे और वही राख बाजार में जाके बेचते थे। तो उसने भी वैसा ही करना शुरू कर दिया। चंदन का पेड़ एक एक छोटे टुकड़े का भी इतना महंगा रहता है, और पेड़ के पेड़ बोले तो कितना महंगा होगा। वो पेड़ काट काट के उसको जलाता था, उसका राख बनाता था, और राख बेच के जो थोड़ा बहुत पैसे आए उसी से जीविका करने लगे। ऐसे ही चलता रहा, धीरे धीरे वो बगीचे के चंदन के पेड़ भी खत्म होता गया, अभी थोड़ा ही बाकी है। एक दिन राजा को ख्याल आया कि मैंने वो किसान को चंदन का बगीचा दिया था, न जाने कितने अच्छे से जी रहे होंगे, न जाने कितना खूबसूरत वो बगीचा भी करके रखा होगा, क्या क्या हुआ रहेगा, चलो एक बार देखने चलते हैं। तो राजा फुर्सत निकाल के चले गए देखने। जब बगीचे के पास भी गया तो बगीचे पहचान में ही नहीं आ रहा था। अरे यहाँ इतना खूबसूरत चंदन का बगीचा हुआ करता था, अभी तो बगीचा ही नहीं दिख रहा है, अभी तो चंदन का पेड़ भी नहीं दिख रहा है, बिरान दिख रहा है, क्या हो गया। तो वो अंदर जाके देखते सारा चंदन का पेड़ कटा हुआ, थोड़ा ही वहाँ पेड़ बाकी है। तो ये देख के राजा को आश्चर्य लगा, क्या हुआ रहेगा। फिर तुरंत राजा ने आदेश दिया कि वो किसान को बुला के लाओ। आ गया किसान दौड़ा, फिर राजा को देखते ही प्रणाम किया। फिर राजा ने पूछा कि ये बगीचा का क्या हाल हुआ, क्या क्या हो रहा है। तो वो कहते हैं, महाराज आपका बहुत कृपा कि आपने इतना बड़ा बगीचा दे दिया, तो मैं यही बगीचे से हर दिन एक एक लकड़ी काट के उसको जलाता हूँ, उसका राख बनाता हूँ और वही राख बेचने लगता हूँ। उससे पहले से थोड़ा अच्छा खासा पैसा आने लगा है, अच्छे से जीवन चल रहा है। राजा ने किसान को देखा, उसके बुद्धि को देखा, अब क्या कहे। तो राजा ने कुछ भी गुस्सा नहीं किया, कुछ भी नहीं बोला, बस वहां पड़ा हुआ छोटा सा एक लकड़ी लिया और वो किसान को, जाओ ये एक बार बाजार में बेच के आओ। तो राजा ने, ये छोटा सा लकड़ी बेचने के लिए बोल रहा है, क्या है ये। राजा का आदेश है, जी हजूर करके वो लेके गया। चलते चलते भी ये लकड़ी में इतना राख बेचने के बाद थोड़ा बहुत पैसा आता है, ये छोटा सा लकड़ी बेचने के लिए बोले है। अभी राजा ने कहा है, मानना ही पड़ेगा। बाजार में गए, वो लकड़ी बेचने के लिए दिखाने लगा, तो लोगों ने चंदन का लकड़ी है पहचान के अच्छे खासे दाम दे के उसको खरीद लिया। किसान आश्चर्य, क्या है ये, मैं एक एक पेड़ को जलाने के बाद जो राख आता है वो बेचने के बाद भी थोड़ा बहुत पैसे आता है, आज मैं छोटा सा लकड़ी लेके आया उसका पैसा भी इतना ज्यादा, कितने कितने पेड़ जलाने के बाद जो पैसा मिलता है वो छोटे से लकड़ी में ही आ गया, क्या है ये। वो आश्चर्य होके राजा के पास आया, तो ये क्या है, इतना पैसा कैसे आए। तो राजा कहते हैं, ये दूसरे लकड़ी नहीं है, ये तो चंदन का पेड़ है, चंदन का लकड़ी है और बाजार में इसका बहुत ही महत्व है। तो किसान को समझ में आया कि इतने सारे चंदन के पेड़ को मैंने जला दिया, काट दिया
और राख बना के वैसे ही छोटे छोटे दामों में बेच दिया। तो वो राजा के चरणों में पड़ा, मुझे माफ कर दो, मैंने चंदन के मूल्य को समझा नहीं, करके माफी मांगा। ये छोटा सा कहानी, पर ये कहानी हमें क्या समझाता है कि मिला जिंदगी में चंदन का बगीचा, पर समझ न पाया, उसको काट काट के जला जला के राख बना रहा है। तो वैसे ही हमें भी चंदन का बगीचा मिला है, ये शरीर मिला है, इतना मूल्यवान ये शरीर मिला है। चंदन के पेड़ की तरह हमारे अंदर श्वास आ रहा है, जा रहा है, अनेक तरह के भावनाएं है। ये इतना दुर्लभ ये शरीर मिला है, शरीर तो दुर्लभ नहीं है, पर ये शरीर से हम क्या नहीं कर सकते, कितना भी हम पुण्य कर सकते हैं, धम्म कर सकते हैं, दान दे सकते हैं, सील पालन कर सकते हैं, ध्यान भावना कर सकते हैं, कितने कितने पुण्य कर सकते हैं, देखा जाए तो ये चंदन से कम भी नहीं है, और देखा जाए तो वो सिर्फ एक पेड़ है, सिर्फ एक लकड़ी है जिसे जला के राख बना देता है। ये शरीर को भी हमने अच्छे से सदुपयोग नहीं किया तो राख बनने वाले लकड़ी जैसा ही ये जीवन है, वैसा ही है ना, बहुत सारा वैसा ही करते हैं। ये चंदन रूपी शरीर को पहचानते नहीं, इसको अच्छे से यूटिलाइज नहीं करते, सदुपयोग नहीं करते, जैसा है वैसा ही खाया पिया, ये किया वो किया, जिंदगी काट रहे, जिंदगी बिता रहे, दिन काट रहे, रात काट रहे, मृत्यु के नजदीक नजदीक हम पहुंच रहे हैं। जिंदगी ऐसा ही तो चल रहा है, लोग किस चीज में भाग रहा है, क्या जीवन में टारगेट लेके भाग रहा है, पैसे कमाना, गाड़ी बनाना, बंगलो बनाना, बैंक बैलेंस बनाना, उसके बावजूद भी और बंगलो बनाना, और गाड़ी बनाना, और बैंक बैलेंस बढ़ाना, उसके बावजूद भी और गाड़ी और बंगला, कहाँ सिलसिला खत्म हो रहा है, खत्म तो कभी हो ही नहीं रहा है। जिसके पास है के वोट में भाग रहा है, जिसके पास नहीं है वो नहीं है के हिसाब से वो बनाने के पीछे भाग रहा है, सब एक तरफ भाग रहा है, बस चंदन के पेट को काटे जा रहे, जलाए जा रहे। इसलिए इतना मूल्यवान ये जीवन को पहचानो, जितना हो सके वो चंदन के मूल्य को पहचान के उसको सदुपयोग करो, ये शरीर का भी सदुपयोग करो। कम से कम ये शरीर से तीन तरह का पाप नहीं करना, ये बुद्ध का उपदेश, पानाति पाता वेडमणि प्राणी हिंसा नहीं करना, दुख नहीं देना, अदिना दाना वेडमणि चोरी नहीं करना, बिना दे कुछ भी नहीं लेना, कामेशु मिथ्याचारा वेडमणि काम मिथ्याचार व्यभिचार नहीं करना, परस्त्री परपुरुष गमन नहीं करना। वैसे ये वाणी जो हम बोलते हैं, ये वाणी से भी चार तरह का पाप नहीं करना, मुसावादा वेडमणि असत्य झूठ नहीं बोलना, पिशुन वाचा वेडमणि चुगली नहीं करना, संपप्पलाप वाचा वेडमणि कि जो निंदा चर्चा करते हैं वो निंदा चर्चा मत करना, फरूस वाचा वेडमणि जो कड़ा अपशब्द गाली गलौज देते हैं वो नहीं करना। वैसे ही मन से तीन तरह का पाप नहीं करना, अभिज्ञा ये जो लोभ लालच नहीं रखना, व्यापाद द्वेष क्रोध नहीं रखना, मिथ्यादिथि मिथ्या दृष्टि नहीं होना, गलत धारणा लेके नहीं बैठना। तो ये शरीर को जितना हम सदुपयोग करेंगे उतना ज्यादा पुण्य होगा, इतना ज्यादा धम्म होगा। बुद्ध भी कहते हैं कि छो मनुष्य पति लाभो, ये मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है, ऐसे वैसे नहीं मिलता, यहाँ दुनिया में इतने प्राणी विविधता है, इतने प्राणी है जिसे हम जानते हैं, जिसे हम नहीं जानते, कितना है कितना है,
एक मुंगी जाति भी एक जंगल में इतना मुंगी निकलता है कि पूरे दुनिया में जितने इंसान है उससे कितने कितने ज्यादा होगा। और ऐसे जंगल इस दुनिया में कितना है, एक मुंगी जाति भी सारे दुनिया भर के इंसानों से ज्यादा है, तो ऐसे प्राणियां कितना है। तो इसका मतलब ये मनुष्य जीवन प्राप्त होना बहुत 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 ही दुर्लभ है। इतना दुर्लभ कि जैसे दलदल में फंसे पत्थर अपने आप ऊपर नहीं आ सकता, वैसे ही एक बार मनुष्य जीवन से पतन हुआ तो वो निरंतर नीचे 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 जाता है, अपने आप ऊपर नहीं आ सकता। जैसे विशाल समुद्र में एक बांस का लकड़ी और उसमें छोटा सा छेद, और वो समुद्र में जो एक कछुआ रहता है जो अंधा है और 100 साल में एक बार अपना सर वो समुद्र से बाहर निकाल के फिर 100 साल समुद्र के नीचे ही रहने वाले वो कछुआ, वो इधर उधर तैरते हुए बांस के छड़ी में जो छेद है उसमें अपना सर रखना कितना मुश्किल है। इतना मुश्किल है कि वो असंभव जैसा ही है। पर बुद्ध कहते हैं अगर चिरकाल तक वो छड़ी नाश नहीं हुआ, चिरकाल तक वो कछुआ नहीं मरा, तो वो समय जल्दी आ जाएगा जब अंधे कछुए अपना सर वो बांस की छड़ी के जो छेद है उसमें अपना सर डालेगा। मगर एक बार मनुष्य जीवन से पतन हो गया तो फिर से मनुष्य जीवन प्राप्त होना उससे कईयन ज्यादा दुर्लभ है। इसलिए पहचानो ये जीवन के महत्व को। हमें इतना दुर्लभ शरीर मिला है, इतना दुर्लभ जीवन मिला है, इसको जितना हम अच्छे करेंगे उतना ही हमें अच्छा परिणाम मिलेगा। इसलिए जीवन में हमें ज्यादा से ज्यादा पुण्य धर्म करने के लिए हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम ऐसे वैसे करके जीवन खत्म कर दिया और बुढ़ापे में आके अरे मैंने तो बगीचे के सारे चंदन का पेड़ काट के राख बना दिया, अभी मेरे पास थोड़ा ही बाकी, अभी मैं क्या करूं करके तिल मिला के न बैठना पड़े। इसलिए ये जितना हो सके उतना जल्दी ये जीवन के महत्व को पहचाने और जितने जल्दी हो जैसे ही होश आए वैसे ही हमें अच्छे मार्ग पे निरंतर आगे बढ़ना है। याद कीजिए जितना हम अच्छा करेंगे उतना ही हमारा अच्छा होगा, जितना हम बुरा करेंगे उतना ही हमारा बुरा होगा। ये प्रकृति का नियम है, यही तो धर्म है। इसलिए आइए हम भी खूब ये दुर्लभ जीवन के लिए पुण्य करें, धर्म करें, कुशल कर्म करें, खुद का भी अच्छा करें, अपनों का भी अच्छा करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कर्म करते करते ये दुर्लभ जीवन, ये अमूल्य जीवन, ये सर्वश्रेष्ठ जीवन को सफल बनाए, सार्थक बनाए और अंत में सभी दुखों से मुक्त, जन्म जरा व्याधि मरण से अलग निर्वाण तक साक्षात्कार कर सके, ऐसी कामना करते हुए आज का ये धम्म देशना यही समापन करता हूँ। फिर एक बार आप लोगों को बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद देते हैं। जो भी हमने धम्म देशना सुन के ये पुण्य अर्जन किया, बुद्ध वाणी सुन के ये जो कुशल कर्म किया, इस पुण्य के अनुभव से बुद्ध धम्म संघ के अनंत अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद के अनुभव से अनंत अनंत बोधिसत्वों के अनंत अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद के अनुभव से आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो, जीवन में ज्यादा से ज्यादा पुण्य धम्म करते हुए
दुखमुक्ता निर्वाण की तरफ निरंतर आगे बढ़ सके, ऐसी कामना करते हुए बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। सबितियो विवजन्तु सब्बरोगो विनाशतु माते भवतु अंतरायो सुखी दीर्घायुको भव भवतु सब मंगलं रक्खन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते भवतु सब मंगलं रक्खन्तु सब देवता सब धम्मानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते भवतु सब मंगलं रक्खन्तु सब देवता सब संघानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते एचितं पाचितं दुह्यं किप्पमेव समेधतु सबे पुरेन्तु चित्तसंकप्पा छन्दोपन्नरसो यथा आयु आरोग्ये सम्पत्ति सर्गसम्पत्तिमेव च अथो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समीचतु। साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि अहं वंदामि सर्वदा। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, हमेशा हमेशा सुखी रहो। साधु 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 बुद्धं नमामि बुद्ध को नमन करता हूँ। तम्मं नमामि तम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि संघ को नमन करता हूँ।